अस्सलामु अलैकुम। सॉल्विंग सॉल्यूशन 16। आज फॉइल वर्क करूँगी मैं, जो कि दिखने में तो बहुत हार्ड लगता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और आर्टिस्टिक है, लेकिन ये बहुत मज़े का और बहुत इजी वर्क है। इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले फॉइल। ये फूड रैपिंग फॉइल नहीं है, ये एल्युमिनियम फॉइल है। थोड़ा सा उससे थिक होता है, आप देख सकते हैं इस शीट को। ईज़िली अवेलेबल है, हार्डवेयर की शॉप पे भी मिल जाएगी, उसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप पे भी मिल जाएगी। ये मैं काम जो है इसका एक मिरर वॉल हैंगिंग तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है। इसकी वैसे तो किट आती है फॉइल वर्क की, लेकिन इतने कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में बाउंडेड नहीं होते। तो मैं जो है पेंसिल यूज़ करूँगी, लेकिन ये डम्ब होनी चाहिए, शार्प नहीं होनी चाहिए। शार्प पेंसिल होएगी आपका जो है वो फॉइल फट जाएगा। कॉटन कैलीग्राफी इंक नग्स। सबसे पहले तो मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी, उसके लिए मैंने शीट को बिछाया है और उसके बाद मैंने अपना कार्डबोर्ड रखा, लेकिन मुझे इतनी स्पेस रखनी है कि ये जो है पूरे वर्क होने के बाद भी अपनी बैक साइड पे पूरा फोल्ड हो जाए, ताकि कोई रफ एजेस नहीं नज़र आए। ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको रैप कर दिया है इस पे। देखिए यहाँ से मैंने और वो किया ताकि मुझे मज़ीद आइडिया हो जाए कि मुझे कितने एरिया में काम करना है। तो मैं इसको ज़रा सा प्रेस करके इसकी आउटलाइन क्रिएट कर रही हूँ। मेरी वर्किंग सरफेस जो होगी वो ये पैनल होगा। अब मैंने बेस को अपनी सॉफ्ट कर लिया है, हार्ड सरफेस पे इसको नहीं करेंगे, वरना ये फॉइल फट जाएगा, सुराख हो जाएगा इसमें। ये मेरा मीडियम है, मैंने इसे इस पे रखा, लेकिन मैं इसकी बैक साइड पे काम करूँगी। कॉर्नर्स का ख्याल रखिएगा, इसके थोड़े रफ कॉर्नर्स होते हैं, हाथ कट सकता है। अब इस पे कोई भी आप डिज़ाइन ट्रेस कर लीजिए स्टेंसिल के थ्रू, किसी भी मीडियम पे, या आप अपना ओन डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं अपना ओन डिज़ाइन बना रही हूँ। मेरी पेंसिल शार्प नहीं है, ये डम है और बहुत स्लाइटली मैंने मूव करना है इसको। पहले मैंने इस पे अपना डिज़ाइन स्केच कर लिया। अब मैं उसको यान से प्रेस करके उभारना शुरू कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं, इसको एकदम से हार्ड हैंड से नहीं कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली साथ 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 इसको मूव करके नीचे लेते जाएंगे। इसमें बहुत स्पेस होती है अगर जेंटली काम किया जाए तो। ये टर्न करके आप देख सकते हैं ये उभरना शुरू हो गया यहाँ से। इसको मज़ीद डेप्थ जितनी भी चाहिए वो आपको शुरू में थोड़ा सा आप इसकी प्रैक्टिस कर लें एक छोटे से फॉइल पीस पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस हद तक डेप्थ इख्तियार कर सकता है। ये आप क्लोजली देख सकते हैं बैक साइड और ये फ्रंट साइड। फ्रंट साइड पे ये इस तरह से उभर के आ जाएगा। अब इसकी इम्बोजिंग सारी हो चुकी है और मैं इसके जितने भी एम्बोस्ड पेटल्स हैं, लीव्स हैं, इन सबको हॉट ग्लू से फिल करूंगी।
इनको फिल करने का मकसद ये है कि ह्यूमन नेचर है क्यूरियस होने की, मतलब ये होता है कि तजस्सुस रहता है कि ये क्या चीज़ है, तो यूजली लोगों को होता है कि वो प्रेस करके देखते हैं। प्रेस करने से ये ना हो कि आपके पूरी वॉल हैंगिंग जो भी पेंटिंग आप बना रहे हैं वो आपकी ख़राब हो जाए। इन सबको मैंने हॉट ग्लू से फिल कर लिया, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसका रिजल्ट आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये मैं प्रेस कर रही हूँ और इसे कुछ नहीं हो रहा, ये हार्ड हो चुका है। अब मैं इसको कार्डबोर्ड से अटैच कर दूंगी और उसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ सीमेंटेक्स। ये भी हार्डवेयर की शॉप पे इजीली अवेलेबल होती है। मैं स्टिक की हेल्प से लगाती जा रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उस एरिया पे लगाऊंगी जहाँ पे मैंने वर्क किया है। इस पर मैंने सीमेंटेक्स लगा लिए। अब मैं इसे उल्टा इसलिए रखूंगी ताकि इसके वेट से ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। अब इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे आधा घंटे के लिए, आधा घंटा एक घंटा। ये पेस्ट हो गया है और ड्राई भी हो गया है। अब मैं इसके सेंटर पोर्शन, क्योंकि डेप्थ है तो इसलिए 1.5 इंच के डिस्टेंस से मैं मार्किंग कर लूँगी और उसके बाद फॉइल को कट करूँगी ताकि सेफ साइड पे रहूँ मैं। अभी मैं कटर से कट कर रही हूँ। मैंने इस पे जगह जगह ब्लैक इंक्स के ड्रॉप्स डाल रही हूँ। आपने कॉटन को लिया और इसको इस तरह से रब करके मैट करना शुरू कर दिया। इस तरह से ये आपका एंटीक इफेक्ट देना शुरू कर देगा। एक टिप ये है कि इंक अप्लाई करने से पहले आप थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली अपने हाथ पे लगा लें तो ये बहुत इजीली रिमूव हो जाएंगे। से इसको इस पे इंक पूरी पॉलिश करने के बाद मैं जो है वो लेकर स्प्रे कर दूंगी ताकि इसकी इंक सिक्योर हो जाए, अदरवाइज ये मिट जाती है। अब आप इस पर अपनी डिजायर्ड चॉइस के हिसाब से स्टोन्स लगाते जाएं। मल्टी कलर दें तो ये एंटीक लुक देगा, जैसे कि बादशाहों की तरह का बादशाही लुक देगा ये। और ये तैयार है। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।